नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में हार्दिक स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे तो सभी दोस्त सभी साथी सभी मित्र एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बिना लेट किए हुए चैनल को क्या कर ले मेरे दोस्तों मेरे मित्रों मेरे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से चीजों को हमेशा मेरे साथ कर सके यहाँ पर ठीक है ना जब आप सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से मेरे साथ यहाँ पर करते रहोगे तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई लिखाई करने में गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून मनु यादव हाँ जी अजीत विकास तिवारी सीमा निषाद सभी लोग आ जाइए आयुष शुक्ला राधे राधे बेटा अच्छा आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी और आ गई आपने देखा हो अभी जस्ट मैं इस क्लास से पाँच मिनट पहले एक सेशन कर रहा था पाँच मिनट भी नहीं था दो तीन मिनट पहले ही कौन सा डी एफ सी सी आई एल हाँ या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये बॉडी आती है आपकी और आप लोग अगर इसमें वर्क करते हैं तो बेनिफिट ले सकते हैं आप ढेर सारा तो आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करा जाए हम लोग यहाँ पर हाँ जी अलीशा हाँ फोन पे चिन्ह नहीं था अच्छा चलिए आप सभी लोगों ने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप डाउनलोड ना किया हो तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप को अभी फट से डाउनलोड कर लीजिए ठीक है अगर आपने सी सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है बाकी सभी दोस्त अगर मैं बताऊं आप लोग तो आप लोग एकलव्य बैच से जुड़ कर बेटा सी एच एस एल की तैयारी कर सकते हो तुरंत शुरू क्योंकि आप जितना लेट करोगे आपका ही नुकसान है इस बार आपने देख लिया कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है एस एस सी सी एच एस एल की ठीक है अगर आप एस एस सी सी जल की तैयारी करना चाहते हैं बेटा तो सी जल के टीयर वन प्लस टीयर टू दोनों को मिलाकर मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स आप लोग के लिए तैयार करा दिया है वाई फोर सिक्स वन इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही मात्र तीन सौ अस्सी रुपये में मात्र तीन सौ अस्सी रुपये में मात्र तीन सौ अस्सी रुपये में आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएगी मात्र तीन सौ अस्सी रुपये में आपको ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें सी के प्री की भी होगी सारी क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स और मेंस की भी होगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक और बात बता दूं ये है डी एफ सी सी आई एल जिसकी मैं बात कर रहा था नौ जून से इसके लिए हम बैच ला रहे हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वाई फोर सिक्स वन कोड लगा करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा कैमरा जूम आउट करो थोड़ा जूम ज़्यादा है ये कट रहा है कट रहा है कंटेंट देखो अपनी तरफ यहाँ देखो और जूम आउट करो ज़ूम आउट करो जूम आउट और थोड़ा सा अपने जूम करो और करो जूम और और थोड़ा सा और, और, थोड़ा, सा, और, और थोड़ा सा बस ठीक है डन है चलिए नहीं तो अभी कट रहा था चलिए अच्छा क्लियर है ओके फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसमें बताना है क्या आंसर बता रहे हैं डी ये देखो बिल्कुल सही है इन सब के अंदर एक सर्किल है इसके 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 अंदर 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 लेकिन इसमें कोई सर्किल नहीं है तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी क्लियर है चलो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा जल्दी जल्दी बताएंगे सभी दोस्त क्या हो गया मनु पढ़ाई करो पढ़ाई क्या बात है ये कोई दूसरा सोनू पुरी है क्या डी आंसर चलो यहां जाओ यहां देखो ए है फिर बी है फिर सी है अब ये पूछता तो डी होता लेकिन यहां देखो ई एफ एफ जी फिर जी एच आ जाएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी बन जाएगा क्लियर है चलो अगला नेक्स्ट निकालिए अगला वाला टर्म अगला वाला कौन सा आएगा हाँ बेटा देखो सबको बोलने दो केवल आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो कौन क्या कहता है कौन क्या मैसेज कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है आप केवल अपने काम पर ध्यान दो बस हाँ <coughs> सोनू दूसरा लग रहा है ये चलो यहाँ जाओ चलो यहां देखो तो डी से जी चार से सात सात से दस दस से तेरह तेरह से सोलह यानी पी आ जाएगा इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है पी और पी इसमें ये देखो आठ है आठ छह चौदह चौदह छह बीस बीस छब्बीस छब्बीस और छह कितना हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैसे भी आप यहां पर हिट कर सकते थे कि यहाँ आठ है चौदह है बीस है छब्बीस है तो सत्रह तो आएगा नहीं तो बीस मतलब छब्बीस से ज्यादा वाला ही आएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राधे राधे बेटा रोनी चलो <coughs> अगला क्वेश्चन निकालिए तो इस क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पर क्या आएगा आपको निकाल करके बताना है सभी दोस्त निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा हाँ जी अनुषा बेटा गुड आफ्टरनून जल्दी जल्दी बताइए सरुण हाँ एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ऑप्शन भी शो हो रहा है प्लीज मैंने बेटा आज सुबह आपके बताने पर वाला देखा था अब हाई स्कूल मैंने टेंथ वाला देखा था वो वाला भी मैं देख लेता हूं वहां भेज दो स्क्रीन शॉट उसका ठीक है उसको जिससे आज कंफर्म कर दे चलो यहाँ आओ एफ टू है अगला खाली है डी एट है सी सिक्सटीन है और बी थर्टी टू है तो देखो इससे तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां दो के बाद चार आएगा चार दूनी आठ आएगा आठ दूनी सोलह आएगा सोलह दूना बत्तीस आएगा ऐसा चल रहा है ठीक अब यहां पर आओ तो यहां देखो दो के बाद अब हमारे पास चार ये तो क्लियर है बी सी डी अब यहां आ जाएगा ई ई आएगा ई आएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा फाइनल आंसर क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा हम्म hmm. चलिए एट आएगा पक्का चलो यहां जाओ देखते हैं यहां पर बोला ऑन का कोड निकालो किसका ऑन का तो देखो ऑन यहां ऑन कहीं पर भी है देखते हैं ऑन यहां नहीं है नाइट नाइट ब्लू ब्लू यहां आ जाओ यहां देखो सात सात पांच पांच तो क्या बच गया आठ तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आठ आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा आठ आ जाएगा क्लियर है सभी को हाँ संदीप यादव आठ बिल्कुल सही सही मिस्टर परफेक्ट वंदना है राजपूत सर हाँ। कॉपी पेस्ट वालों को ब्लॉक करो नहीं नहीं आदित्य सर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना था मार्क्स इंक्रीज होंगे अभी मॉक में एक सौ पंद्रह से एक सौ बीस आते हैं देखो बेटा वहां पर क्या होगा डेली बेसिस पर एक टॉपिक को आपके स्पीडली रिवाइज कराया जाएगा उससे आपके अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे ठीक है बढ़िया है हाँ चांदनी देख लिया बेटा देख लिया चले जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा तो सभी दोस्त जल्दी से निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पांस बनेगा हम्म जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए तो इसका क्या आंसर बनेगा फटाक से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा चलो जल्दी जल्दी निकाल करके बताओ तो इसका क्या आंसर आएगा चलो सिक्स थ्री एट वन नाइन सेवन चलो यहां जो देखो यहां देख सकते हो बी डबल ओ टी एल ए सी ई इसको बोला है फोर डबल नाइन देखो यहाँ नंबर डबल नाइन सिक्स जीरो ठीक है उसके बाद देखो थ्री सेवन टू थ्री सेवन और टू फिर आपसे सी ए पी ई एल आई एन इसको बोला है आपसे सेवन थ्री एट टू जीरो वन फाइव तो आपसे पूछा है क्या हां टी ए पी आई ओ सी ए अब यहां देखो टी ए छीन पी 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 आठ आई जी आई की जब हम बात करते हैं तो एक सिक्स थ्री एट वन सिक्स थ्री एट वन एक ही ऑप्शन है डी सिक्स थ्री एट वन ऑप्शन नंबर डी ये आपका सबसे बेहतरीन चहिता क्वेश्चन नकल मानने वाला जो हम लोग कहते हैं ना चीटिंग वाला क्वेश्चन ये वही चीटिंग वाला क्वेश्चन था जो आप लोग का दिया गया यहां पर क्लियर है सभी को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अगला C3 थ्री कैन एटीन देन कंप्यूटर का क्या होगा हम्म नकल वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है हाँ जल्दी से उमेश ओके okay, क्लियर है मुस्कान पांडे जी खुश रहो और मैं बहुत बड़ा चीटर हूँ अच्छा <laughs> निक चलो अच्छी बात है एम बेटा भाई फीवर हो गया है ध्यान रखो बेटा इस वक्त ना सीजन बहुत चेंज हो रहा है तो इस सीजन चेंज से आप लोग बच के रहिए ठीक है थीके? <laughs> अच्छा आप लोग को ये भी पता है कि कल जो है एसएससी ने एसएससी ने अपना न्यू कैलेंडर या रिवाइज कैलेंडर कह लो दिया है एसएससी ने न्यू कैलेंडर दिया है जिसमें याद हो आप लोगों को तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी दी है उसने और मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी डिक्लेयर की है उन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसमें मेल फीमेल एक सितंबर को उसका फॉर्म आएगा अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है मेरे दोस्तों तो आप लोग बस बढ़िया तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए ठीक है, है? <coughs> चलो यहाँ जाओ सी बराबर क्या है तीन कैन बराबर क्या है कैन बराबर क्या है आपका एटीन तो कंप्यूटर बराबर तो देखो सी की प्लेस वालू तीन होती है इसकी तेरह एक चौदह और चौदह चौदह और कितना हो जाएगा चौदह चार ठीक है चौदह और चार ये मतलब चौदह एक पंद्रह तीन अट्ठारह सही है तो सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर इसको बोला है तीन प्लस पंद्रह प्लस तेरह प्लस सोलह प्लस इक्कीस प्लस बीस प्लस पाँच प्लस अट्ठारह ये रहा ये है ना आप लोग का पाँच प्लस अट्ठारह ये है अब यहाँ ध्यान से देखिएगा <क्याँग> तो बीस ये हो गया आपका बीस और बीस चालीस एक इकतालीस इकतालीस हो गया इकतालीस और सोलह इकतालीस और छः सैंतालीस सैतालीस दस सत्तावन सत्तावन तीन साठ दस सत्तर सत्तर ये हो गया सत्तर दस अस्सी पाँच पचासी पचासी और तीन कितना हो जाएगा अट्ठासी अट्ठासी या पचासी और पाँच कितना हो जाएगा पचासी पाँच हो जाएगा नब्बे दस सौ एक सौ आठ एक सौ ग्यारह क्या एक सौ ग्यारह आ रहा है बताइए <coughs> ट्रिपल वन आ रहा है ना? हम्म बेटा अभी मुझे ये नहीं पता कि एमपी में टीचर की वेकेंसी आई है या नहीं आई है अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है ठीक है जी <coughs> स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है ठीक है बिल्कुल देख लूंगा वरुण <coughs> हाँ बेटा जल्दी से निकालो डायरेक्शन और डिस्टेंस का है किसका है डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखो <coughs> बोला है दानिश पश्चिम की ओर चलता है फिर दाएं मुड़ता है पांच किलोमीटर चलता है दानिश वेस्ट में चलता है फिर दाएं मुड़ता है, है और कितना चलता है दाएं मुड़ता है और पांच किलोमीटर चलता है या पांच मीटर चलता है ठीक है <coughs> फिर से दाएं मुड़ता है और सात मीटर चलता है सात मीटर चलता है उन्होंने खुद को अपने शुरुआती बिंदु से पाँच किलोमीटर उत्तर में पाया इससे एक बात पता चलती है हमें ये वाली बात नहीं पता थी लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से पाँच किलोमीटर नॉर्थ में मिलना इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है जैसे ये और ये वाली बराबर है ठीक है शुरुआत में वो पश्चिम में कितनी दूरी चला था तो वो चला था सात मीटर शुरुआत में पश्चिम में वो कितना चला था तो वह चला था सात मीटर सेवन मीटर टुवर्ड्स सात मीटर कहां चला था पश्चिम में चला था वो शुरुआत में पहले ये बताओ समझ आ गया <coughs> मतलब क्वेश्चन में शुरुआत नहीं बताई कि किस दिशा से हुई है उसने ये आपको बता दिया कि अंत में इस टाइम वो जो है इतनी दूरी पर पाया जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से बस क्वेश्चन क्लियर हो गया वहां से <coughs> अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ चलिए अगला क्वेश्चन निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा सभी दोस्त निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर और कैसे बनेगा जल्दी जल्दी सेवन मीटर आंसर है बेटा <coughs> जल्दी से चलो यहां आ जाओ यहां देखो बोला है इन अ सर्टेन कोड इतना को ये कहा है इतने को ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज पॉल्यूशन लेवल इज हां पॉल्यूशन लेवल इज चेंजिंग ठीक है अब देखो क्या है देखो रेड में कितने अच्छा हैं तीन ट में चार इज में दो इन में दो ऐसा है ना तो अब यहाँ देखो एक दो एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ नौ एक दो तीन चार पांच, पांच, ये देखो दो एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ ये रहा नौ पांच दो आठ नौ पांच दो आठ ऑप्शन नंबर बी आएगा यानी हाँ बेटा <laughs> चलो क्लियर है चलो अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा जल्दी जल्दी बताइए जल्दी जल्दी क्या रिस्पॉन्स आएगा फटाफट चलो जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा चलो हम बहुत ही बेहतरीन स्पीड में चल रहे थे देखो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग करके टेंथ नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा फटाफट फटाफट निकालिए और बताइए चलो आ जाओ मनु ये नहीं आता ओके कुछ लोग कह रहे हैं सर ये नहीं आता आई एम न्यू स्टूडेंट ओके चलो यहाँ पर आ जाओ <coughs> देखो यहाँ साफ साफ बोला है यदि चिन्ह माइनस को क्रॉस माइनस और क्रॉस को आपस में बदल दिया जाए यानी माइनस और क्रॉस बदलना अब एक चीज देखते हैं जहां जहाँ डिवाइड लगा है <coughs> क्या डिवाइड वहाँ वहाँ सॉल्व हो रहा है या नहीं चलो पहले माइनस और क्रॉस बदल दे यहां क्रॉस हो जाएगा यहां माइनस यहां क्रॉस यहां माइनस यहां क्रॉस यहां माइनस यहां माइनस यहां क्रॉस ये यह रहा ठीक है छः सत्ते बयालीस ये तो कट जाएगा लेकिन एक चीज यहां देखो ध्यान से अगर हमने इसको भाग कर लिया अट्ठारह तो और सत्ते बहुत बड़ा नंबर बनने लगेगा जो हमारे इसके लिए दिक्कत करेगा इसका मतलब पहला वाले बनने के चांसेस तो कम हो गए ठीक है दूसरे पे आओ आठ अठाई चौसठ और 22 इंटू आठ कर दोगे फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक सौ तीन नहीं आ पाएगा ये भी काट दो एक सौ उन्नीस वाले पे करने की कोशिश करें तो एक सौ उन्नीस बटे सत्रह गुणे प्लस चौबीस माइनस चौंतीस ये रहा चौबीस माइनस चौंतीस यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जाकर के बाद बन जाएगी ठीक है ना हम्म तो सत्रह सत्ते सात बार में चला जाएगा सत्रह सात तो सात इंटू छः प्लस चौबीस माइनस चौंतीस तो ये हो जाएगा सात छियालीस बयालीस प्लस चौबीस और माइनस चौंतीस तो चौ बयालीस में से चौंतीस चला जाएगा कितना हो जाएगा छो आठ चौबीस तो और आठ कितना हो जाएगा चौबीस और आठ कितना हो जाएगा बत्तीस आ जाएगा बिल्कुल सही है सी वाला सी वाले सारे दोस्त हमारे यहाँ पर सही हैं बेटा विकास तिवारी एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता मान लिया बिल्कुल एक्सेप्ट है इस बात को मैं समझ रहा हूँ लेकिन क्या करोगे पेपर में आया है क्वेश्चन अब बताओ छोड़ के ही आओगे ना फिर हाँ डन तो बेटा करने का तरीका यही है तो अब इसके लिए कोई जादू छड़ी तो नहीं है कि घुमाया और आंसर आ गया अदरवाइज फिर शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल तुम्हें दे दी जाए कि तुम फाइनल आंसर बना सको ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो बताओ जल्दी से हाँ जो जो ज्योति <coughs> चलो अगला आ जाओ हाँ टाइम अप हो चुका है ना अब यहाँ आ जाओ यहाँ बोला है पचपन तिरसठ फिर अगला खाली है तीन सौ तैतालीस फिर आठ सौ पचपन और फिर अट्ठारह सौ पचपन पचपन से तिरसठ की बात करते हैं पचपन से तिरसठ तो पांच और तीन आठ यहाँ जोड़ दिए यहाँ खाली है अगला देखो फिर यहाँ देखो तो पांच तीन गया दो पांच चार गया एक और आठ में से ये पांच सौ बारह तो यहाँ पर अगर देखो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्यूब्स ये दो का क्यूब है और ये कितने का हो गया आठ का तो अब बीच में दो जगह खाली है तो क्या एक चार का और एक छः का नहीं हो सकता अगर मैं यहाँ चार का क्यूब चार का क्यूब बोल तो चार चौक सोलह चौक चौंसठ यहाँ अगर मैं चौंसठ ऐड करूँ तो चार और तीन सात छः छः बारह एक उसके बाद यहाँ से छ का क्यूब यानी दो सौ सो सोलह जोड़ो यहाँ पर तो सात छ तेरह ये हो जाएगा बिल्कुल सही है तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एक सौ क्या यही आ रहा है और ये जो डिफरेंस था ये क्यूब के फॉर्मेट में चल रहा है हाँ सही बात है इसीलिए तुम लोग को सकला का बुम बुम वाली पेंसिल नहीं मिल रही क्योंकि तुम लोग को मजा आ जाता है ना और एग्जामिनर कतई नहीं चाहता कि आप लोग को मजा आए एग्जामिनर की ये सोच है कि एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आप लोग लोग को कभी भी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट या आप लोग को मजा आए चलो जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा मेरे मित्रों मेरे दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को शेयर ना किया हो शेयर कर दें जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन्स मिल सकें जब भी कोई नोटिफिकेशन जैसे अभी डी एफ सी सी आई एल की वैकेंसी आई मैंने उसका नोटिफिकेशन किया अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और ऐप डाउनलोड कर रखा है ऐप डाउनलोड का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा मेरे दोस्तों ठीक है और ऐप डाउनलोड लिंक की जब हम लोग बात करते हैं तो जिसमें मेरा नाम लिखा होगा लास्ट में विनय तिवारी आप वही वाला ऐप डाउनलोड लिंक इस्तेमाल करिएगा मेरे दोस्तों ठीक है चलो आ जाओ इसको कैसे करते हैं पता है ना गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितने टोटल सोलह सोलह का मतलब क्या होता है चार चार के चार पेयर चार चार के चार पेयर ये होता है सोलह तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक, दो, तीन, एक दो तीन चार ये रहा एल जी पी क्यू एल जी पी क्यू एल जी पी क्यू और एल जी पी क्यू ये रहा तो पी एल क्यू जी पी एल क्यू जी ये नहीं है पी एल क्यू जी ये है इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी क्लियर है डन है एल जी पी क्यू तो पी देखो क्यू के पहले आ रहा था क्यू के पहले आ रहा था इसलिए लिखा ठीक है अगला निकालिए फोर्टीन नंबर डी एफ सी को अगर डब्ल्यू एच एक्स कहा है तो के एफ क्यू को क्या कहा जाएगा जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों फटाफट एल जी पी क्यू हाँ खुश रहो बेटा रोनित जी कल अपना बढ़िया से पेपर करके आओ ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी आपके साथ है मस्त पेपर करके आइएगा हर बड़ी मत करिएगा अच्छा पेपर करके आइएगा ठीक है क्योंकि ये सोच के चलिए कि आपको डेढ़ सौ में से कम से कम डेढ़ सौ में से कम से कम एक सौ तीस नंबर तक लाने हैं जब एक सौ तीस नंबर तक लेकर आओगे तब कुछ सोच सकते हो अदरवाइज कट ऑफ आप देख ही रहो कितना ज़्यादा जाने लगी है डी एफ सी को बोला है डब्लू एच एक्स फिर बोला है के एफ क्यू के एफ़ क्यू तो हाँ 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 डी हा। का अपोजिट डब्ल्यू सी का एक्स तो के का पी और क्यू का हाँ जे क्यू जे और ये देखो छ और दो आठ छ और दो आठ तो पी एच डे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है पहले और आखिरी वाले अपोजिट हैं बीच वाला प्लस दो पहले और आखिरी वाले अपोजिट हैं बीच वाला प्लस दो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रेंसर बनेगा जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी देखो हम पंद्रहवें क्वेश्चन पे आ चुके हैं दस क्वेश्चन और हैं हाँ बेटा आप लोग जितने भी दोस्त एसएससी स्टेनोग्राफर स्टैनोग्राफर के लिए रीजनिंग करना चाहते हो वो मेरे साथ रात दस बजे और दोपहर बारह बजे इन दो क्लासेस से जुड़ते रहो क्या देखो एस स्टैनो का जो फॉर्म है वो अगस्त में आएगा तो उसके लिए अगर आप रीजनिंग करना चाहते हो अगर आप रीजनिंग करना चाहते हो तो ये दोपहर बारह बजे ये दोपहर बारह बजे और रात दस बजे ये दो, दो क्लासेस चलती हैं, इनको लेना शुरू करो इनको करना शुरू करो ठीक है चौदह जुलाई को है बेटा सीजल का एग्जाम चलो यहाँ जाओ नौ है उनतीस है सड़सठ है एक सौ उनतीस है अगला क्या आएगा और थ्री फोर्टी नाइन है नौ से उनतीस बीस जोड़ा उनतीस से सड़सठ नौ से उनतीस बीस जोड़ा चलो तो जल्दी नहीं देखो यहाँ पर बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा जी क्या डबल ट्रिपल कितने डिफरेंस से बनता है ये देखिए और बताइए इसका क्या आएगा यहाँ देखो तो ये नौ और आठ सत्रह अड़तीस आ जाएगा यहाँ पर देखो नौ में सात गया दो बारह में छः गया छः ये बासठ हो जाएगा तो बीस अड़तीस और बासठ इससे तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा है हाँ आगे देखो बीस से ये हो जाएगा अट्ठारह यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा बारह में से बारह में से आठ गया चार और छः में से नहीं पाँच में से ये देखो चौबीस तो इसका मतलब यहाँ प्लस छः हुआ है यानी एक दो और तीन बार डिफरेंस ले रहे हैं एक दो और कितनी बार डिफरेंस ले रहे हैं तीन बार तो यहाँ भी अगर हम चौबीस और छः जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तीस तीस का मतलब ये हो जाएगा आपका नाइन्टी टू तीस का मतलब ये क्या हो जाएगा नाइन्टी टू यहाँ जोड़ लो तो नौ और दो ग्यारह का एक फिर एक हासिल लग गया नौ दो ग्यारह का एक फिर एक हासिल लग गया नौ दो ग्यारह एक बारह का दो फिर एक हासिल लग गया ये देखो दो सौ इक्कीस ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या बताइए और ये कैसी सीरीज़ हो गई बेटा ट्रिपल डिफरेंस की ट्रिपल डिफरेंस की कैसी सीरीज हो गई ट्रिपल डिफरेंस की तीन बार डिफरेंस लिया जा रहा है तब जाकर के आपका आंसर बनेगा तब जाकर के आपका आंसर बनेगा क्लियर है अमन हाँ लॉजिक ना समझ आ रहा है इसका समझ जाओ ना बेटा एक डिफरेंस लिया फिर दोबारा लिया तो देखो 18 और 24 हुआ तो हमने देखा 6 बढ़ा 18 6 24 24 30 अगला देखोगे तो 30 और 6 36 30 और 6 36 36 इसमें जोड़ दो छह दो आठ नौ तीन बारह एक सौ अट्ठाईस इसमें एक सौ अट्ठाईस जोड़ दो देखो आंसर क्लियर है क्लियर है ना चलो आगे सॉरी <coughs> <Sorry. coughs> चलिए अगला क्वेश्चन हाँ देख लिया तुम्हारा लॉजिक भी देख लिया क्यूब प्लस एक दो तीन चार पांच ना जी हाँ अच्छा बेटा अभी जितने होंगे ये है ही नहीं बेटा समस्या तो यही है ही तो नहीं क्यूब से ही बन रहा समझ गया चलो यहां देखो एक ये लॉजिक सब लोग कह रहे हैं उसको भी देख ही लेते हैं मतलब ये थ्री फोर्टी नाइन है अच्छा इसको ऐसे करो दो का क्यूब प्लस एक तीन का क्यूब प्लस दो चार का क्यूब प्लस तीन पाँच का क्यूब प्लस चार और छह का क्यूब प्लस पाँच। तो दो सौ सोलह और प्लस पाँच दो सौ इक्कीस आ जाएगा गॉट वाला तरीका भी बहुत अच्छा आसान है ठीक है चलो <coughs> अंग्रेजी शब्द को उसमें लगाना था देखो टी 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 आर 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 ए एन एन आई एन एन तो एन एन अभी काट दो आई वाला पहले आएगा यानी पांच नंबर और पांच यानी एक ऑप्शन कट गया अब यहाँ देखो एन एन के बाद यहाँ एस है यहाँ क्यू है यहाँ एस है यहाँ एस है तो पहले क्यू आएगा फिर एस तो क्यू यानी एक नंबर पांच के बाद एक 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 सब में है अब आ जाओ क्यू वाले पे तो आ, नहीं एस 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 और एस तो अब एस के बाद यहाँ एफ है तो तीन नंबर ये काट दो तीन के बाद अब आया ये दो आपका आया दो और चार में से <coughs> आई आई ई टी यानी चार और दो आपका आंसर ए आ जाएगा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा ए आएगा ठीक है हाँ बिल्कुल सही है हनी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग का आंसर सही आ रहा है ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकालिए बारह और सात जल्दी से निकालिए जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए फाइव वन थ्री फोर टू हाँ बेटा मन ठीक है हाँ निकाल दिया हम लोगों ने उसको भी कर लिया हम लोगों ने चलो अगला बताइए क्या आएगा चलिए यहाँ पर आजी यहाँ बोला है बारह सात से सत्तर लाना है कैसे हो सकता है बारह माइनस दो गुणे सात कर दूं देखो सत्तर आ जाएगा क्योंकि बारह माइनस दो करोगे दस गुणे सात बराबर सत्तर तो ऐसे पंद्रह गुणे पंद्रह माइनस दो गुणे छ तेरह छठहत्तर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है ऐसे ही ग्यारह माइनस दो यानी नौ और गुणे कितना हो जाएगा नौ तो नौ गुणे नौ बराबर कितना आ जाएगा इक्यासी एटी वन आ जाएगा आपका आंसर सी आ रहा है क्या मेरे दोस्तों देख लो क्लियर है चलो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकालिए और बताइए बेटा आप लोग अगर सी या सी के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो बताइए बताइए जल्दी से गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा बेटा विश्वजीत शर्मा आप इंस्टाग्राम वगैरह से जुड़ जाओ वहां से बात कर लो ठीक है चलो यहां आ जाओ पेंसिल पी ई एन सी आई एल पेंसिल पेंसिल को बोला है एम के एफ आर जे और वी ये रहा तो आपसे पूछा एम ए एस टी ई आर मास्टर ये देखो हम ऐसा कह सकते एल से एम नौ दो ग्यारह तीन और तीन छः चौदह चार अठारह पाँच और पाँच दस और ये देखो सोलह और छः बाईस तो यानी प्लस एक दो तीन चार पाँच छः प्लस लगा लो सब में अट्ठारह तो और एक उन्नीस पांच और दो सात एस जी लो ए आंसर इतने से ही हमें पता चल गया हमारा आंसर ए आएगा और किसी में एस जी है ही नहीं भैया बट बाकी आगे देख लो डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू एफ एस ये लो क्लियर है सभी को <laughs> चलो अच्छी बात है तो हेयर कट अच्छा है ना मतलब मतलब ये कटिंग ऐसी रखो अब ऐसी कटिंग कराया करूँ मैं कुछ जैसे मेरी पहली हेयर स्टाइल है वही सही है हम्म या इतने छोटे छोटे हेयर कट सही है हाँ बेटा हाँ बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद हाँ बेटा मेरा नाम सर्च कर लो मेरा नाम जानते ही हो हम्म और लास्ट में पच्चीस बारह विनय तिवारी पच्चीस बार ठीक है चलो झारखंड की धरती से खुश रहो बेटा चलो अगला देखो देखो <coughs> Z से B गया B से D गया D से F गया F से H गया आठ और दो दस दस यानी J देखो एक बार बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा अब छोटा आएगा जी और दस और दो बारह जे और एल ऐसे आएगा हाँ हाँ जे और एल इसमें भी सेम है आपका आंसर एक कटा दस वाला देखो सी से एफ तीन जोड़ा बड़ा छोटा छः तीन नौ 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 से नौ ही रहा नौ तीन अच्छा ये नौ तीन ये बारह है एल है बारह और तीन पंद्रह पंद्रह और तीन अट्ठारह लेकिन ये देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा अब छोटा आएगा तो पहले आर आएगा छोटा आर इसमें भी है इसमें भी है और फिर अट्ठारह और तीन इक्कीस यानी यू फिर क्या आएगा छोटा तो यू बड़ा आएगा एल और यू एल और यू तो देखो ये सब में बड़ा है एल यू आई एल यू आई एल यू आई, आई, आई चेक ही मत करना लास्ट वाला चेक करना खाली देखो अट्ठारह अट्ठारह से तेईस तेईस से फिर बी बी से देखो पाँच और दो सात सात पाँच बारह बारह और पाँच सत्रह होता है सत्रह बोले तो क्यू जी बारह पाँच सत्रह सत्रह बोले तो क्यू और सत्रह सत्रह में पाँच जोड़ देंगे सत्रह पाँच बाईस यानी वी आ जाएगा ये लो आपका आंसर सी आ रहा है आपका आंसर सी आ रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट आसान था ठीक है तो ये वी को हमने चेक करा हमारा काम बन गया ठीक है अगला निकालो खूनी रिश्ता के बारे में क्वेश्चन है निकाल करके बताइए इस खून के रिश्ते से कैसा रिश्ता आप जोड़ सकते हैं निकालिए और बताइए मेरे दोस्तों निकालो और बताओ नहीं बेटा ऐप पर सैटरडे क्लासेस नहीं चलती हैं मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है चलो यहां आ जाओ रंजना ने एक महिला से कहा टाइम अप हो चुका है ना रंजना ने किससे कहा रंजना ने एक महिला से कहा है रंजना ने एक महिला से कहा है रंजना ने एक महिला से कहा है क्या कहा है मेरे पिता आपके पुत्र पियूष के दादा हैं, मेरे पिता रंजना ने कहा मेरे पिता आपके पुत्र मेरे रंजना ने एक महिला से कहा मेरे पिता आपके पुत्र मेरे पिता आपके पुत्र के दादा हैं, आपके पुत्र के दादा हैं, तो पीयूष रंजना से कैसे संबंधित है मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के। के रंजना से कैसे संबंधित है तो पीयूष जो है वो रंजना का क्या हो जाएगा हाँ तो आपके देखो उस महिला की जब बात की जा रही तो नीस नेफ्यू ही हो सकता है क्योंकि पीयूष हो गया मेल हाँ अब ये देखो तो अब यहाँ पर वैसे सन डॉटर होता सन डॉटर का कोई ऑप्शन नहीं है इसके बीच में जनरेशन गैप एक ही है कजन हो नहीं सकता ब्रदर हो नहीं सकता ग्रैंड सन हो नहीं सकता बचा ही आपके पास एक ऑप्शन है इसको अगर आप नहीं भी समझे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर देते तो भी आप आंसर बना सकते थे इस क्वेश्चन का कि आंसर डी बनेगा हाँ <coughs> कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं थी अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर तो बहुत ही गलत बात है चलिए सारे के सारे दोस्त एक बार जल्दी से निकाल करके बता देंगे इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है <coughs> निकालिए चलो यहां आ जाओ यहां देखिए यहां बोला है एस टी आर ई एम स्ट्रीम स्ट्रीम को बोला है सोलह है चौदह है अट्ठारह है उसके बाद अ चार चार पांच दो दो और आठ है तेरह तीन सोलह देखो यहां पर क्या हो रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है क्या लॉजिक बन रहा है सोच सकते हैं जल्दी से देखिए तो इक्कीसवा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है निकालिए जल्दी से इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा देखते हैं हाँ बिल्कुल आज रागिनी बेटा आज रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है बिल्कुल सही बात है यहां देखो एस का अपोजिट अब मैं अपोजिट लिख रहा हूँ एच है इसका जी है इसका आई है इसका वी है इसका आपका ए जेड है और इसका आपका एन है तो ये होता है आठ ये सात ये नौ ये बाईस ये छब्बीस ये आपका चौदह अब इन सब का डबल कर दो तो चौदह दो ना अट्ठाईस छब्बीस दो ना देखो बावन बाईस दो ना चौवालीस नौ दोनी अट्ठारह सात दूनी चौदह सोलह दूना आठ दूनी सोलह ये हो गया पी ई आर आई ओ डी पीरियड की बात करते हैं तो पी का अपोजिट के ई e का वी आर का आई आई का आर ओ का एल और आ, ये रह। ये है ग्यारह ये है बाईस ये है नौ ये है अट्ठारह ये है बारह और ये है आपका नौ तो नौ दुनी अठारह हम्म जो भी आर का आई है ना तो नौ दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों अट्ठारह लेकिन यहां तो ऐसा नहीं दिख रहा है ग्यारह दूना बाईस ओहो वो आ नहीं है डी है सही मैं कहूं कि ये क्या हो रहा है डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी तेईस तेईस दूना छियालीस तेईस दूना कितना हो जाएगा छियालीस बारह दूना चौबीस अट्ठारह दूना छत्तीस नौ दूनी अठारह बाईस दूना चौवालिस और ग्यारह दूना बाईस ये रहा चौवालीस अठारह गया अच्छा क्वेश्चन को हम आज के लिए इतना ही रखते हैं ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एच डब्ल्यू इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा ठीक है मेरे दोस्तों अभी जस्ट इसके बाद मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें जो दिल्ली पुलिस एस आई की वैकेंसी होती है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद एग्जाम डेट आपको देने वाला हूँ जस्ट इस सेशन के बाद तो आप सभी लोग अगर एकलव्य बैच से जुड़ना चाहते हो सी एच एस एल की तैयारी करना चाहते हो मेरे दोस्तों सी एच एस एल दो हजार तेईस की तो देर मत करो एकलव्य बैच से वाई फोर सिक्स वन इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके अवश्य जुड़ जाइए तुरंत जाकर के समझ गए मात्र आठ सौ अस्सी रुपये में आपको यह बैच मिल जाएगा कल आप लोग का रिजल्ट आया आपने देखा है कितना हाई कट ऑफ गैस ले भैया अच्छे से तैयारी कर लो अब ये जो लक्ष्य बैच है इसमें टीयर वन प्लस टीयर टू करा दिया है बेटा और मात्र तीन सौ अस्सी रुपए में आपको दोनों तीन सौ अस्सी रुपए में आपको दोनों प्री और मेंस दोनों की सारी कंप्लीट रिकॉर्डिंग वीडियोस यहां पर आपको मिल जाएंगी ठीक है तो चलिए फिर आज के लिए तय रखा जाए आप लोग को मैं दिखा दू कि कैसे आपको बैचेस से जुड़ना है गूगल क्रोम रूम पे जाएंगे आप लोग यहाँ पर जैसे पहुंचोगे यहां अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करोगे यहां ऑल कोर्सेज पर चले जाना जैसे यहाँ पहुंचोगे यहाँ ऑल कोर्सेज पे चले जाना यहाँ एस एस पे चले जाना और ये रहा देखो एस एस सी जैसे यहाँ पहुंचोगे ये है वीडियो देखो ये है है रिकॉर्डिंग दिख रहा लक्ष्य पे जाओगे जैसे लक्ष्य पर जाओगे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है टीयर वन भी है टीयर टू भी है कंप्लीट बैच है रिकॉर्डिंग का बाय नाव पर जाकर के यहाँ मेरा कोड लगाइए वाई चार सौ इकसठ जैसे लगा के अप्लाई करोगे देखो तीन सौ सत्तानवे आया तीन सौ सत्तानवे आ रहा है ना वाई चार सौ इकसठ लगाते ही ऐप के क्वाइंस और लगा लेना क्वाइंस और लगाते ही तीन सौ अस्सी रुपये में मात्र तीन सौ अस्सी रुपये में अगले छः महीने के लिए प्री और मेंस और अगले छः महीने में प्री और मेंस आपका दोनों हो जाएगा क्योंकि जुलाई में आपका है प्री का एग्ज़ाम और उसके दो महीने बाद ही आपका मेंस हो जाएगा तो ये आप लोग के लिए बिल्कुल बेहतर चीज़ होने वाली है क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी आप उनसे अपने नोट्स बना के

बहुत ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है मात्र आठ सौ अस्सी रुपये में वाई चार सौ इकसठ इस कूपन कोड के साथ आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही है रखते हैं अगले सेशन में आप सब लोग जरूर जुड़िए मेरे साथ ठीक है सब के सब लोग वहाँ आ जाओ आपको मैं सी पी ओ के सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों बाय बाय टेक केयर